जस्टिस की डिमांड करो, गवर्नमेंट को गैंगस्टर्स नू गैंगस्टरिज्म नू खत्म करने की डिमांड करो। तू थोड़े गाने लीक कर कर दे, 70 लीक पहला होया तू कर दे, लाला जिथे तक जोर लाना होर लिखे पे है आखिरी गाना जो रिलीज हुआ है उसने इतनी मेहनत से इतनी शिद्दत से सच्चाई की जो उसने बातें कही है इस गाने के अंदर, उसे लेकर जो है इस गाने को रिलीज किया गया वो क्यों बैन किया गया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, इस गाने को जो है बैन कर दिया गया है पूरी तरह से। इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है सिद्धू मूसेवाले के SYL सॉन्ग को लेकर। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि इंडिया के अंदर इस गाने को जो है आप स्क्रीनशॉट इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। सच में अपने आप में ये बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि इस गाने को आपको बता दे 1 घंटे के अंदर जो है कई मिलियन व्यूज मिल चुके थे और लाइक्स की तो फैंस ने बौछार की ही थी, साथ में कमेंट्स भी बहुत सारे आए थे इस गाने को लेकर। वहीं हरियाणा में जो है मुद्दा छिड़ गया था इस गाने को लेकर, हरियाणा के लोग जो थे, सिंगर जो थे खासतौर पे, और आपको बता दें ये गाना जो था खासतौर पे विवादों से तो भरा ही हुआ था। वहीं विवाद शुरू हो गया 2 दिन के अंदर ही इस गाने को रिलीज करते ही। एक एक बात जो है इस गाने के अंदर पंजाब को लेकर सच्ची घटना पर आधारित जो है बताई जा रही है। इस गाने को अगर अभी तक आपने सुना होगा तो आपको पता ही होगा कि इस गाने में एक एक वर्ड्स जो थे सिद्धू मूसेवाले मरने से पहले इस गाने को जो है बनाकर गए थे और उसे रिलीज किया गया, और इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत के बाद इस गाने को जो है रिलीज भी किया गया। खूब प्यार मिला, खूब ट्रेंड हुआ, अपने आप में बहुत बड़ी बात है नंबर 1 पर ट्रेंड होना सोशल मीडिया पर। जी हाँ, SYL सॉन्ग नंबर 1 पर ट्रेंड हो रहा था सिर्फ 3 दिन के अंदर ही, और जो प्यार मिला इस गाने को कहना ही क्या, सभी हेटर्स के आंखें फटी की फटी रह गई थी कि कोई इंसान इस धरती पर है भी नहीं और उसको उसके गाने को जो इतना प्यार मिल रहा है। आपको एक बात और बताना चाहेंगे इस गाने को लेकर, जी इनके माता पिता सिद्धू मूसेवाले के माता पिता चरण कौर और बलकौर सिंह जी ने, पिता ने दोनों ने मिलकर, माता पिता दोनों ने मिलकर इस गाने को जो है सोशल मीडिया पर, उस सोशल मीडिया पर जिस पर सिद्धू मूसेवाले का खुद सोशल मीडिया वेरीफाइड अकाउंट था यूट्यूब पर रिलीज किया गया। जी हाँ, किसी और प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि किसी ने अभी तक इस गाने को जो है नहीं खरीदा था और टी सीरीज या फिर किसी भी चैनल पर जो इस गाने को अभी तक रिलीज नहीं किया गया था, लेकिन सिद्धू मूसेवाले के जो वेरीफाइड चैनल है उस पर रिलीज किया गया। और आपको बता दें आज इस गाने को जो है बैन कर दिया गया पूरी तरह से, लेकिन आप इस गाने को जो है लुफ्त उठा सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से, सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं। अगर आपको नहीं पता होगा कि इस गाने को आप किस तरह से देख सकते हैं तो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं आप किस तरह से वॉच कर सकते हैं इस गाने को। जी हां, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस गाने को जो है इंडिया में बैन किया गया है और देशों में नहीं किया गया। तो आप अपना लोकेशन, आप अपनी जो जगह है वो इसके अंदर चेंज करके आप इंडिया की बजाय कोई और जगह ऐड करके, लोकेशन कोई और ऐड करके आप जो है इस गाने का लुफ्त उठा सकते हैं। उसके बाद जो है ये गाना अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। एक स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, एक फैन के द्वारा स्क्रीनशॉट है, उसमें प्रोसेस जो है बताया गया है कि अगर आप इस गाने को वॉच करना चाहते हैं, आप सच्चे फैन हैं सिद्धू मूसेवाले का, तो जरूर इस गाने को देखिए और इस तरह से आप जो है वॉच कर सकते हैं इस गाने को। स्क्रीनशॉट आपके सामने है और आप इस प्रोसेस को इस्तेमाल करके इस गाने को यूट्यूब पर फिर से वॉच कर सकते हैं और सिद्धू मूसेवाले कि इस गाने को जो है प्यार दे सकते हैं, माता पिता को जो है सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो है सिद्धू मूसेवाले तो नहीं अपने माता पिता के साथ, उनकी मेमोरी, उनकी यादें और उनका गाना तो जरूर है उनके साथ, लेकिन आपको बता दे सिद्धू मूसेवाले के माता पिता को इस वक्त आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, सिद्धू मूसेवाले के फैंस की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो जरूर कीजिए, इस वक्त बहुत ही दर्दनाक हादसा जो है माता पिता के साथ हुई है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था जिस गाने को इतना प्यार मिल रहा है भरपूर उस गाने को बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला इस गाने को बहुत ही कम वक्त में। खैर, इंडिया में नहीं देख सकते हैं कई लोग, लेकिन बाहर देश में तो जरूर ही देख सकते हैं, और वहां पर जो है सिद्धू मूसेवाले के ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल फैंस हैं और बहुत प्यार देते हैं वो। विदेश में तो उनके जो है नाम की डंका बज रही है, बड़े बड़े स्क्रीन पर जो है उनके गाने को चलाया जा रहा है, जिनको पंजाबी समझ में भी नहीं आती वो भी उनको हिंदी में कन्वर्ट करके, इंग्लिश में कन्वर्ट करके जो है उनके गानों को प्यार दे रहे हैं।
वेल आप क्या गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे इस गाने को लेकर? क्या आपको लगता है कि इस गाने को बैन करके सही किया गया है? जो भी आपके विचार हैं जरूर कमेंट सेक्शन के जरिए व्यक्त कीजिए। साथ ही हर लेटेस्ट खबर के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस जो है कीजिएगा, ताकि हर लेटेस्ट खबर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने विचार जो है इस गाने को लेकर जरूर व्यक्त करके जाइएगा कमेंट सेक्शन में, जो भी आपके विचार हों बेबाकी से जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।